नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके अपने चैनल एशियन डिसिप्लिन ललित पे। तो दोस्तों, मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था जैसे कि डांस फ्लोर के प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताइए। तो आज हम आपको यही चीज बताएंगे कि डांस फ्लोर का जो प्रोग्रामिंग होता है वो किस टाइप से किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये है T1000S मशीन के ऊपर में आपको दिखाएंगे, क्योंकि T1000S मशीन पे आप लोग 2000 LED तक जला सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे ये होगा 12x12 का। तो किस टाइप से करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे सभी चीज। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और जो भाई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले ऑल को भी सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिले। और ये प्रोग्रामिंग अगर आप लोग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरे नीचे देखिए व्हाट्सएप का नंबर जा रहा है, तो आप इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए और हम आपको प्रोग्रामिंग जो होगा आपको दिलवा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों आप लोगों को करना है ये है जो 2014 का, इसे आप ओपन करिए। और ये है हमारा, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग राइट करते हैं तो ऐसा फाइल खुलता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो करना है इसमें हमें पैनल बनाना है। तो पैनल बनाने के लिए देखिए ये जो ऑप्शन है इसे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और आपको कुछ ऐसा फाइल दिखेगा। ठीक है, तो इसे हम पहले जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसमें पैनल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए यह है आपका मतलब हॉरिजेंटल का और यह है आपका वर्टिकल का। तो सबसे पहले जो है हम इसका कनेक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन देखिए हमें कनेक्शन जो रखना है आप जिस तरीके से कनेक्शन रखना चाहिए आप अपना उस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें इस तरीके का कनेक्शन रखना है, तो हम इसे सिलेक्ट किया हुआ है, इसे सिलेक्ट करके क्लोज कर देते हैं। और आप चाहे तो आप इसका जो हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है तो आप इसमें से हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करिए और इसमें पैनल बनाइए 12x12 का। तो ये हमारा बन गया, देखिए कनेक्शन भी हमारा उसी टाइप से है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे और ये जो है हमें इसे 9 पैनल बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सिलेक्टेड है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसे डिसलेक्ट कर देते हैं, और चलिए इसे अब हम पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें 9 पैनल इसमें सिलेक्ट करना है। तो हम पहले फटाफट इसमें 9 पैनल को सिलेक्ट करके सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें 9 पैनल सिलेक्ट हो चुका है, और इसका हम आपको कनेक्शन दिखाते हैं। देखिए तो इसका अभी जो कनेक्शन है, देखिए ये कनेक्शन यहाँ तक जाके कट जाएगा, फिर यहाँ से हमें कनेक्शन देना पड़ेगा, फिर यहाँ से कनेक्शन देना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा लाइनिंग है सभी लाइनिंग को पहले इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसे हम डिसलेक्ट करते हैं और इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें लाइनिंग करने में आसानी हो। और यह है लाइन का ऑप्शन, तो इसमें हमें अभी लाइनिंग करना है। तो चलिए इसे हम लोग 9 करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा डेटा इन हुआ और यहाँ से आउट हो गया, तो यहाँ से हमें इसके अगले वाले में जोड़ देना है। और फिर से हम यहाँ पे देखिए इसे लेंगे और फिर से इसके अगले वाले में जोड़ देना है। सभी का पहले इसी तरीके से हम कर लेते हैं, सभी का पहले जॉइंटिंग कर देते हैं इस तरीके से।
और इसके बाद देखिए यहाँ से ये इनपुट होके यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ से फिर से हम इसे लेके ये वाला है इसमें हम दे देते हैं, और फिर से ये यहाँ से हमें लेके और इस वाले पर दे देते हैं, ये हो गया। अब चलिए हम इसमें आपको एक बार सिलेक्टेड करके दिखा देते हैं टोटल। तो देखिए इससे पहले जो आपको कनेक्शन दिखाए थे और अब दिखा रहे हैं, तो दोनों में देखिए आप अंतर अब देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से डेटा इनपुट हो गया, यहाँ से आउटपुट हुआ, फिर से यहाँ इन आ गया, फिर से यह यहाँ पर आउटपुट हुआ इनपुट, और ये लास्ट में जाके यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि T1000S से है तो हम इसमें पोर्ट एक ही लगाएंगे, तो ये हो गया। अब फिर से हमें लाइनिंग और इसे यहाँ से लेके हमें इसके पोर्ट के अंदर में डाल देना है। तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग बार देख लेते हैं कि कितना बल्ब है। तो टोटल देखिए 1128 बल्ब ये हो रहा है। तो यहाँ पे कनेक्शन इसका कट गया है, तो चलिए फिर से हम इसमें लाइनिंग देते हैं। देखिए यहाँ पे कनेक्शन कट चुका है यहाँ से यहाँ तक का, और अब हम फिर से इसे देख के देख लेते हैं। इसका जो कनेक्शन है यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया, 1296 बल्ब होगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये जो मतलब एनालाइज का जो ये ऑप्शन है इसे आपको क्लिक करना ज़रूरी है, ताकि आपको ये जो पैनल में जो पूरा तरीके से हुआ है या नहीं इसे आपको देख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं। तो फाइल सेव, और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे हम इसमें 12.12 और ये हमारा CXP9 पर सेव होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेव हो गया। और इसके बाद चलिए हम आपको तो ये हमारा रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसे क्रॉस करते हैं और हम लोग आ गए 2014 पे। तो अब हमें इसमें सेलेक्ट करना है फाइल न्यू प्रोजेक्ट T1000S और ओके। और इसके बाद जो फाइल हमने बनाया था इसे यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो ये है हमारा 12x12 का, ओपन करते हैं। तो ये जो है लास्ट में आपको ये 0 आना चाहिए, ठीक है। ये आपका 0 आना चाहिए यहाँ पे, देखिए टोटल 1296 और ओके। तो ये देखिए हमारा डांस फ्लोर का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आप जैसे आप इसमें इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसा इफ़ेक्ट आपके पास में है, SWF फाइल हो चाहे आपका जो भी फाइल हो आपके पास में, SWF फाइल चाहे आपका जो टोल फाइल हो कुछ भी हो आप, तो इसमें आप उसे इस तरीके से चला सकते हैं। देखिए तो अब आपके पास में डांस फ्लोर का जो आपके पास में डिज़ाइन होगा तो आप उसे इसमें लगा के चला के दिखा सकते हैं। तो चलिए हम डांस फ्लोर का आपको एक डिज़ाइन मेरे पास में है तो हम उसे आपको चला के दिखाते हैं।
और इसे आपको क्या करना है, सिर्फ इसे आपको रिकॉर्ड कर देना है। इस तरीके से आप इसमें रिकॉर्ड कर दीजिएगा। तो देखिए हम इसमें फास्ट रिकॉर्ड किए हैं ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपको जल्दी से टोटल जितना भी इफेक्ट है इसमें आपको दिख जाए। तो ये जो इफेक्ट है दोस्तों, आप इसे डांस फ्लोर या फिर बिल्डिंग किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन कितना अच्छा आपको दिखने में लग रहा है। तो ये थोड़ा साइज आपको डिस्प्ले पे थोड़ा बड़ा है, इसके लिए आपको ऐसा पिक्चर दिख रहा है, लेकिन इसका जब साइज आपको छोटा आ जाएगा, जैसे कि ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसे अगर आपका छोटा होता है तो ये देखने में और भी अच्छा लगता है। तो चलिए इसमें हम आप कुछ और भी आपको इफेक्ट चला के दिखाते हैं। और इसे आप लोग को बस इसमें रिकॉर्ड करना है। अब जितना इफेक्ट इसमें डालना चाहते हैं उतना आप ओपन करिए और सभी फाइलों को आप रिकॉर्ड करते हुए जाइए, बस आपका जो है सेव होता हुआ जाएगा। ठीक है, इसमें आप चाहे तो जैसे आपको एक शार्क का डिज़ाइन देते हैं, देखिए शार्क भी देखिए, तो ये सब भी आप डांस फ्लोर पे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और अगर आपका कोई क्लब वगैरह हो तो उसका नाम भी आप डाल सकते हैं इसके साइड में, या फिर आप ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसका इसमें आपको टेक्स्ट इनपुट करके दिखा देते हैं। ओपन टेक्स्ट पैनल, और इस पर आपको टाइप करना है, तो हम इसमें टाइप करते हैं सी एंड डी सी बाय। तो यहाँ पे ये टाइप कर लिया, देखिए अभी जो है ये लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम फ्रंट में चेंज करते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, और इसे जो है हमें वर्टिकल में चलाना है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इसे आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिस तरह आपको चाहिए रिकॉर्ड करना आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इस साइड भी दे सकते हैं या फिर इसे आप फिर से चेंज भी कर सकते हैं, जिस टाइप से आपको लगे कि अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसे हम यहाँ पे भी फिर से चला सकते हैं। कलर इसका अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सेट फ्रंट, और ये जो कलर है यहाँ पर आप चाहे तो रेड कलर कर सकते हैं, और ओके करते हैं। देखिए ये रेड कलर में चलने लगा, और अगर आप लोग इसे जैसे एकदम छोटा करके यहाँ पे चलाना चाहते हैं तो वह भी हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ओपन टेक्स्ट पैनल, सेट फ्रंट, और इसे हम कर देते हैं एकदम छोटा, और इसे हम नीचे की ओर लेकर चलाते हैं। तो देखिए ये हमारा नीचे आ गया। तो इस तरीके से बहुत सा इफेक्ट आप डाल सकते हैं और इसे रिकॉर्ड करके, अब इसको हमें जैसे फाइल में डालना है तो वीडियो को अप करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने रिकॉर्ड नहीं किया फ़िलहाल, तो इसे चलिए हम आपको फाइल रिकॉर्ड करके ही दिखा देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा आप लोगों को भी समझने में। डेस्कटॉप, जैसे ये फाइल चल रहा है और इसके ऊपर नाम हट रहा है, तो हम नाम इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ऐसा अच्छा अच्छा इफेक्ट आप अगर लेना चाहते हैं तो WhatsApp के थ्रू भी, अगर लेना चाहते हैं तो WhatsApp का थ्रू भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर देखिए मेरा मोबाइल नंबर जा रहा है, तो आप वहां से WhatsApp पे हमें कनेक्ट करिए, हम आपका इस तरीके का जो फाइल रिकॉर्ड करके और आपको सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों।
चलिए इसमें एक और इफेक्ट डालते हैं। देखिए ये सब भी डांस फ्लोर के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है ये सब डिज़ाइन भी देखने में। तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा ऐसा इफेक्ट आप लोग पहले से ही इसे बना के रखिए, क्योंकि बनाने के बाद देखिए डांस फ्लोर के लिए बहुत ही अच्छा है, देखने में भी अच्छा लगता है और काम भी अच्छा करता है। चल जब लाइट आप इसके नीचे में जलाइएगा और ऊपर से आपका काम होगा तो बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब इसे देखिए हम लोग प्रोग्रामिंग रेडी कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट हम लोग LED करते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं और ओके। तो अभी का जो टाइमिंग है देखिए 20:26 है, तो ये हमारा प्रोग्रामिंग रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग आ चुका है। तो देखिए टाइमिंग 20:26 ओपन। तो ये है हमारा जो प्रोग्रामिंग हमने अभी रेडी किया, तो ये है वो प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।